तो फ्रेंड्स बिहार नई जॉब कर्मचारी की पद है दोस्तों, कान खोल के सुन लो। धमाकेदार भर्ती को लेकर बड़ी न्यूज निकल कर आई है। जो कि पद की बात करो तो यहाँ पे 14,564 पद है। तो दोस्तों पहले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए पूरा, उसके बाद कुछ कमेंट कीजिए जो भी करना हो, उससे पहले कुछ कमेंट ना करें। तो फिर इससे पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को रेड कलर के बटन को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना है। और जो भी लेटेस्ट वीडियो सब चल रहा है बिहार में जॉब से रिलेटेड, वो सारी वीडियो चैनल पर एक बार आकर जरूर देख लीजिएगा। जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो सब यहाँ पे दिया गया है, बिहार नई भर्ती संविदा जॉब है, और यहाँ पे बिहार सरकार जॉब खुशखबरी ये भी, और यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो 865 पद है, जो कि इसका वेतन 11,500 रुपया है, इसका लास्ट डेट हो गया 30 मार्च तक है। तो इसको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे पद सब है, तो एक बार आकर इस वीडियो सबको देख लीजिएगा। और ये बिहार जॉब ये भी है, सभी पंचायत में बिहार के जो नियुक्ति है फूड सेफ्टी मित्र, योग्यता क्या है, अंतिम तिथि क्या है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक, तो आपको पूरा बात इसमें समझ में आ जाएगा इस भर्ती को लेकर। ये सारी वीडियो सब आकर एक बार चैनल पर आकर देखते रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार में भी क्या चल रहा है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या दिया गया है न्यूज और पेपर में। तो फ्रेंड्स ये रहा जो पेपर का कटिंग, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के, यहाँ पे देख सकते हो कि राज्य के विभिन्न में संविदा पर होगी कर्मियों की नियुक्ति, योजना बनाई, और राजभवन के 76 कर्मियों की कमी दूर करने का अपने स्तर से शुरू किया प्रयास। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि कितना कितना सीट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है 14,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 14,564 पद यहाँ पे दिया गया है पूरे कि कितना कितना सीट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कार्यरत कर्मी है इस लाइन में, और इस लाइन में यहाँ पे इतना खाली पद है, जो कि टोटल में यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि 14,564 पद है। तो चलिए इसके बारे में क्या दिया गया है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के विश्वविद्यालय में 76 कर्मियों को कमी दूर करने के लिए राजस्व, यहाँ पे दिया गया है कि कर्मियों को दूर करने के लिए राजभवन में अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के साथ कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों को भी कमी है, तो इसके दूर को लेकर यहाँ पे दिया गया है कि, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया कि कर्मचारियों की भी कमी, यहाँ पे कर्मचारियों की भी कमी है, लेकिन वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अब राजभवन ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में एकेडमिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। और यहाँ पे दिया गया है कि हालांकि राजभवन अभी अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है, और यहाँ पे देखा गया है कि बल्कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कर्मियों की वजह से जो काम प्रभावित है, प्रभावित हो रही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इससे निपटने के लिए संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। जी दोस्तों, यहाँ संविदा पर बहाली है, तो यहाँ पे दिया गया कि कर्मियों की नियुक्ति करेगा, और इसके लिए कुलपतियों की बैठक में संविदा पर नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति बनाने पर चर्चा हुई है। और यहाँ पे दिया गया है, ऊपर पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के 13 विश्वविद्यालय में 14,500 से अधिक कर्मचारियों की पद सृजित है, यानी कि खाली है, लेकिन इसमें 8,000 से कम पदों पर ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगभग आधे पद खाली है। और यहाँ पे दिया गया है कि अब इन खाली पदों पर संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावना बढ़ी है, और राज्य में सबसे अधिक 2006 में कर्मचारियों की पद सृजित है, लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 856 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के 13 विश्वविद्यालय में 14,500 जो अधिक, 14,000 से अधिक जो कर्मियों की पद खाली है, तो यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज में ये पद कर्मचारियों की भर्ती होगी। तो यहाँ पे दे दिया गया कि किसमें कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितना कितना यहाँ पे बहाली होने वाली है। तो फ्रेंड्स जो लोग भी कर्मचारी की पद को इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए खुशखबरी, यहाँ पे दिया गया है कि राज्य नई जॉब
2020 में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भर्ती है दोस्तों। कर्मचारी का पद है और 14,564 पद है। तो 2020 की धमाकेदार और बड़ी भर्ती होने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है। अब देखते हैं कि कब तक वैकेंसी आ पाता है। तो पूरे अलर्ट हो जाइए, पेपर वगैरह देखते रहिएगा, या फिर आप यूट्यूब तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। तो जैसे ही विज्ञापन जारी होगा तो मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा कि ऐसा कब तक लास्ट जो भी इसका आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।